हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। आई थिंक लाइक इट्स नॉट लेस देन जनवरी, ठीक है, और वो भी जुलाई में। ओ माय गॉड, तो करिश्मे होते रहते हैं, ठीक है। अभी और मैं वार्ड जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ थोड़ी सी गपशप कर देते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये दिन भी गुजर जाएंगे, ठीक है। अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, गुजर ही जाते हैं, लेकिन एट द एंड वो लोग कामयाब हो जाते हैं जो इन हालात में स्ट्रांग रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता, जो लोग हम देख रहे हैं ना बाहर, जो हमें सक्सेसफुल नज़र आते हैं, किसी को भी सक्सेस ऐसे प्लेट में नहीं मिली होती। हर एक बंदा जो है, चाहे जिस स्टेज पे भी है, जिस स्टेज पे भी वो कामयाब है, ठीक है, तो एक प्रोसेस से गुजरा है वो। वो बहुत कम लोग होते हैं जो सोने का छमछा मुंह में लेके पैदा होते हैं, ठीक है। और यार वो भी ऐसे होते हैं ना कि उनके आबाओ अजदाद ने कहीं ना कहीं मेहनत की होती है, ठीक है। तो हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, मेहनत ही कर रहे हैं, ठीक है। ये देखे ये चीज़ें उठा के ना ये आपका वार्ड बैग है, ठीक है। नहीं, मेरा है, आपका नहीं है। तो आप भी मेहनत करें, ठीक है, और अल्लाह करे कि हम सबको ऐसी खुशियाँ मिले, मिलते रहे, जिस तरह अभी अभी हमें मिली है कि जस्ट लुक एट दिस। अल्लाह करे हर किसी को जुलाई में जनवरी मिल जाए, ठीक है। और आप लोगों के लिए भी मेरी सेम यही फीलिंग्स है, यही दुआएं हैं। लेकिन आप लोग जो है, हमेशा से मैं कहता हूँ, चाहे इंजॉय भी करनी हो ना, इंजॉय से पहले बहुत मेहनत करें। इंजॉय से पहले आप लोग मेहनत करेंगे तो इंजॉय करने का मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग कंटिन्यूसली इंजॉय कर रहे होते हैं ना, कंटिन्यूसली लाइक के कुछ और काम होता ही नहीं है, तो वो इंजॉय भी इंजॉय नहीं होती, वो फ्रस्ट्रेशन बन जाती है, ठीक है। और आप लोगों लाइक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आप लोगों को। अगर एक बंदा है, ठीक है, और सुबह से वो बैठा हुआ है, गेम कर रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई भी गेम खेल रहा है, ठीक है, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन अगर ये बंदा सारा दिन वो स्टडी करे और लाइक 30 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए गेम खेलेगा, तो इसको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली द थिंग इज के मेहनत के बाद जो कुछ भी आपको मिले, चाहे वो फ्री टाइम ही क्यों ना हो, उसका आपको बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो आप लोग अपनी जर्नी को खूबसूरत बनाएं, इसको ऐसे ऐसे सच ना बनाएं कि अपने ऊपर बोझ रखें कि यार मैं तो MD CAT की स्टडी कर रहा हूँ, और एक टेंस सिचुएशन होती है, मैं आप लोग के हाल से गुजरा हूँ, ठीक है। नो डाउट इतनी टेंशन मैंने भी लाइफ में नहीं देखी जितना मैंने रिपीटिंग ईयर देखा था, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा, ठीक है, वक्त गुजर जाता है। उस टाइम भी कहते थे टाइम गुजर जाएगा, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल ईयर चल रहा है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है टाइम, यानी बहुत चीज़ें होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है, लाइफ इज़ नॉट ईजी आप जिस स्टेज पे भी हो, ठीक है। तो कोशिश करें कि हर एक जर्नी, चाहे वो जैसी भी हो, जौन सी भी हो, आप लोग उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। क्योंकि सपोज़ मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ कि चलो आप एक बहुत कामयाब आदमी बन गए, ठीक है, और आपकी उम्र जो है वो 60 साल से ऊपर है, आप उस कामयाबी का क्या करेंगे जो आपको 60 साल से ऊपर की मिल जाए। हाँ, BP के मरीज़, शुगर के मरीज़, हर टाइम ये ऊपर गया ये नीचे गया, यही सारी चीज़ें होगी, हेल्थ इश्यूज़ होंगे, ये एनर्जी नहीं होगी। अगर हमारे ऊपर आजकल बर्डन भी है, स्टडी बर्डन है, वट एवर जो भी है, अल्लाह ने हमें सेहत दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, जवानी दी हुई है, ठीक है, तो इस टाइम पे आप लोगों को सारे मसले नहीं है, ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। तो सक्सेस की आप लोग अगर सक्सेस मांगते हैं ना, तो वो तो बहुत लेट आता है, और उस टाइम तक आप बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको ना मांगे। जो टाइम अभी आप गुजार रहे हैं, इस टाइम पे जो छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं, उनको इंजॉय करने की कोशिश करें, ठीक है, एंड अपनी मेहनत जारी रखे। थोड़ा सा एक डोज देना चाहता था आप लोगों को, वो मिल गया आप लोगों को। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।